बाद जिसका दौरा करके आएंगे ओके, जहाँ बहुत महामारी और पीड़ित लोग आप सब होंगे होंगे। सबसे पहले तो यही कहूँगा जैसे आप जो इस महामारी के बीच में आप सब आए हैं, हम सब अति आभारी, खासतौर हम आभारी हमारे मुख्यमंत्री जी को जो एक युवा नेता और जिस प्रकार से वो हमारा राज्य को आगे ले जा रहे हैं। आप सब जिस प्रकार से दिल से उन्होंने चाहते जो प्रश्न दिए हैं वो एक नेता की तरह नहीं जैसे कि दिल से जो अपना एकदम दिल की बात है उन्होंने रखा है हमारे बीच। सबसे पहले तो यही है कि अरुणाचल प्रदेश जो है प्राकृतिक जो आपदा है जिस प्रकार से यहाँ भूस्खलन होता है, यहाँ भूकंप होता है, यहाँ बाढ़ आती है, तो हमारे जो डायरेक्टर साहब और सेक्रेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट जिस प्रकार से बहुत विस्तार में आप सबको हमको बोलना और है नहीं, लेकिन संक्षेप में कुछ बिंदुओं पर जिसमें हमारे आदरणीय सांसद जी ने भी कहा कि हमने एक वहाँ में एक दो बार में सांसद बना और उसके बाद एक वहाँ एक हम मंत्री भी रहे, विभिन्न मंत्री राज्य मंत्री के रूप में दिल्ली में मेरा डॉक्टर मनमोहन सिंह के राजस्थान में। तो यही मैं आप सबको सबसे जो सुनूँ हमारा जो अभी पर्व है इसके लिए तो आप सबको हम स्वागत करते हैं। तो यहाँ जो आप जिस जगह जिसका दौरा करके आए हैं ये मेन जो श्याम रिवर है नदी है ब्रह्मपुत्र होती है, ब्रह्मपुत्र ही है मेन सरोवर, मानसरोवर से वो शुरुआत होती है, वो पूरा रिवर होकर के आते हैं, उसको या तो हम जानको बोलते हैं या उसको सांको बोलते हैं। तो अभी भी जो जिस प्रकार से मैं आदरणीय सांसद ने कहा कि ये पर्टिकुलर एरिया है ये जिसको जिसको ऊंची ऊंची जो रीजन है तिब्बत में, तो सांको में ये डैम बना है वो आप जो सैटेलाइट इमेजरीज में आप देख सकते हैं। और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री ने इसके लिए फुल्ली वो उन्होंने टीम भेजा, उसका दौरा कराया, तो शायद आपका मंत्रालय से भी हमको चिट्ठी मिला, मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी मैं लिखा था जब मैं सांसद था उस समय भी ये हुआ था घटना तिब्बत में, ये सेम काइंड ऑफ ट्रेजेडी जहाँ बहुत हमारा जानवर का भी नुकसान होता है। तो हमारे यहाँ जब नुकसान होता है जैसे वो कहते हैं कि आदम असम्भ या बोलेंगे तो असम्भ जस्ट यू नो द डाउन स्ट्रीम ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो सबसे पहले यहाँ का ये होता है। और आप वाटर रिसोर्सेज के बारे में आप जानते होंगे कि वहाँ ऑलरेडी चार डैम्स जो पन बिजली के उन्होंने डैम्स बनाया और हमारे उसका वो आदरणीय सांसद जी ने इसका चर्चा किया, एक मीडिया रिपोर्ट उनका मैंने देखा जहाँ उन्होंने कहा कि ये सब कौन है, सो दीज आर काइंड ऑफ बॉम्ब व्हिच विल गोइंग टू अफेक्ट अस, बट दैट इज व्हेन यू कम बैक टू डिजास्टर। मैं यही आप सबको कहूँगा कि अगर मैं कहूँगा कि नहीं मैं अपना क्षेत्र 37 के लिए सिर्फ मेरे वहाँ जिस प्रकार से रोड्स का डिस्ट्रप्शन हुआ है, वहाँ हमारा ब्रिजेस का वो नुकसान हुआ है, ऐसा कहेंगे तब तो ये पूरा अरुणाचल में होल पैक अरुणाचल तो उसके लिए सीएम साहब हैज ऑलरेडी गिवन द रिपोर्ट एंड ही हैज ऑलरेडी स्पोकन अबाउट इट। सो इसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा बिकॉज यू हैव कम टू अवर डिस्ट्रिक्ट, वी हैव रियली टेकन ऑल द पेन कमिंग राइट फ्रॉम दिल्ली एंड आई नो इस प्रकार से हम आए हैं, इतना कष्ट करके आए हैं एंड वी आर रियली ग्रेटफुल, हम बहुत ही आभारी हैं। ये काबिले तारीफ है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, इतना शॉर्ट समय में पूरा राइट फ्रॉम इटानगर हैज ड्रिवन डाउन दिस मॉर्निंग एंड दे हैज रिसीव्ड यू एंड द होल टीम, और उनके साथ जो टीम आया उनको भी मैं आभारी हूँ। हमारा जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट से जितने भी हमारा विधायक है वो अपने अपने विषय में कहेंगे, लेकिन मैं तो पैन अरुणाचल के लिए मैं कहूँगा क्योंकि जो रिपोर्ट्स है हमारा जो रिपोर्ट्स है मे बी वेरी स्मॉल फॉर यू सर, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है। आपको मैं कहूँगा कि जैसे उनका दौरा फिर दोबारा उसके लिए बोलूँगा कि हमारा 10% जो है वो ड्यूरिंग अटल बिहारी वाजपेयी टाइम एंड इवन इवन द इंडियन गवर्नमेंट हो या चाहे हमारी यूपी गवर्नमेंट हो, ये एक 10% जो पूरा बजट था वो हमारा जो नॉन नेचुरल पूल ऑफ सेंट्रल रिसोर्सेज में ये रहता था। तो अभी तक वो उसका वो जो जितने भी योजनाएं हैं उसको उन्होंने लागू नहीं किया, शायद कभी कभी हम भी सोचते हैं हमको स्टेट मार्जिन ट्रीटमेंट दे रही क्या, तो मैं तो असेंबली में तो गाली देता हूँ क्योंकि हम तो विपक्ष के हम तो कांग्रेस के हम तो कांग्रेस के हम तो गाली देंगे, अरे वहाँ से बीजेपी यहाँ भी आप बीजेपी और आप फंडिंग नहीं ला रहे,
लेकिन टेक्निकलिटीज आर्ट बीइंग मेकिंग आई मीन यू नो हम ऐसे गाली देने से क्यों गलत है लेकिन आई नो इज वेरी एफिशिएंट जिमनास्ट इज रियली टेकिंग एवरीवन अलोंग जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के इन सबका साथ सबका विकास एंड ऑल दैट इज रियली डूइंग कमेंडेबल जॉब एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हियर कम हियर विद लव एंड अफेक्शन टू अस तो हम जिस प्रकार से अपने आप प्रेम का साथ स्वागत कर रहे हैं वैसे वो गुड मेमोरीज के साथ आप जरूर जाइए हमारा ऑनरेबल एमपी साहब ने कह चुका है कि अगला बार आप आएंगे विदाउट द पेंडेमिक वी विल श्योरली शो व्हाट इज द हॉस्पिटैलिटी ओवर प्राइस